गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीत उत्तम, योर एसएसटी टीचर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी, द फोर रियलम्स ऑफ द अर्थ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एंड आयोस्फीयर। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ कैन बी डिवाइड इंटू वेरियस रियलम्स। तो कौन कौन से भागों पे हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया गया है? सबसे पहले लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, मतलब ये जो सतह है हमारी जमीन। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, मतलब पानी के बाद हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो वाटर के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फीयर, एटमॉस्फीयर का मतलब होता है एयर, ठीक है। तो और ये जो इन सबको मिलाकर जो एक इन तीनों को मिलाकर जो एक रियलम्स बनता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है ना। मतलब कि हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बायोस्फीयर, ठीक है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। देखिए लिथोस्फीयर मतलब कि सतह के बारे में बात करेंगे हम लोग, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, अपने अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक्स, रॉक्स का मतलब होता है जो हमारी चट्टानें पृथ्वी पे पाई जाती हैं। मतलब ये अर्थ इज द मेनली मेड ऑफ द रॉक्स विच आर द फाउंड द बोथ सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट। मतलब कि वो दोनों स्टेट सॉलिड और लिक्विड दोनों में पाई जाती हैं। लिथोस का मतलब होता है, लिथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक, मैंने अभी अभी आपको बताया। अगर हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब कि उसके अंदर पृथ्वी के अंदर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। द आउटर मोस्ट रॉकी लेयर मतलब कि जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है, जो चट्टान वाली लेयर होती है रॉकी लेयर, वो पृथ्वी विच इज कवर द अर्थ लाइक अ स्किन इज कॉल्ड द क्रस्ट। मतलब कि एक जैसे हमारे बॉडी पे स्किन सबसे बाहरी भाग होती है, ऐसे वो पृथ्वी का सबसे आउटर भाग माना जाता है। जैसे हमारे लिए स्किन ऐसे पृथ्वी के लिए, ठीक, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट जो होती है वो ग्रुप होता है, उसमें सेल और सीमा पाया जाता है। सेल का मतलब होता है आपका जो जिसमें बहुत ज़्यादा सिलिका होता है और एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। मतलब SI का मतलब हो गया सिलिका और AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। और उसमें सीमा मतलब और क्या क्या पाया जाता है, जो रॉक्स होती हैं वो सिलिका भी पाया जाता है उसमें और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। एक समझने के लिए, याद करने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है Cl और सीमा, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल जो होता है वो जो क्रस्ट होता है उसके नीचे का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। और ये लगभग 2900 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अर्थ पे रहता है, ठीक है। फिर जो उसका लास्ट पार्ट माना जाता है वो कोर, जो कोर होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, ठीक है। ये मेंटल के भी नीचे का पार्ट माना जाता है। अब इसमें मोस्टली क्या पाया जाता है, तो देखिए इन द इनर कोर इज अ हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म इज मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन, ठीक है। तो निकिल का शॉर्ट फॉर्म होता है Ni, आयरन का शॉर्ट फॉर्म होता है Fe। तो इसको जो रिफर्ड करते हैं वो बोलते हैं निफे, निफे मतलब निकिल और आयरन, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो मेनली कॉन्टिनेंट्स पे क्या है, डिवाइड है। अब अर्थ पे अगर हम लोग बात करें तो अर्थ वंस हैड द सुपर कॉन्टिनेंट कॉल पेंजिया, हैड वन सुपर ओशियन इज कॉल पैंथसाला, ठीक है। मतलब कि कहा जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है पृथ्वी का, जिसको कॉन्टिनेंट जो सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है उसको बोलते हैं पेंजिया, ठीक है ना, पेंजिया। और जो सुपर ओशियन वाल बोला जाता है उसको बोलते हैं पैंथसाला। वैसे अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहें तो 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन ओशियंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें तो ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एशिया के बारे में। द ग्रीक फर्स्ट यूज द नेम एसी,
विच द रोमन ऑथर ट्रांसलेटेड एज एशिया, मतलब जो ग्रीक लोग थे उन्होंने सबसे पहले एसी नाम दिया था, तो बाद में जो रोमन के जो ऑथर्स थे उन्होंने इसको जब अपनी बुक्स वगैरह में इसको जब लिखा तो उसको एशिया लिखा, ठीक है ना। ये जो एशिया है कॉन्टिनेंट है ये सबसे बड़ा माना जाता है, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब एशिया और यूरोप के बीच के जो पार्ट, जो कंबाइंड पार्ट होता है उसको बोला जाता है यूरेशिया, ठीक है ना, वो दोनों को मिलाकर बनता है। फिर अगर बात करें हम लोग अफ्रीका के बारे में तो देखिए अफ्रीका सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय द मैक्टेरियन सी टू द नॉर्थ, नॉर्थ में मैक्टेरियन सी एंड द अरबिया सी इन द ईस्ट एंड ओशियन सी टू द साउथ वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन ऑफ द साउथ वेस्ट विद द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द इंफिशियन हाईलैंड इन द ईस्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा स्ट्रेच अक्रॉस मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। और ये जो मतलब कि जो रिवर है नील, ठीक है ना, द रिवर नील द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इन द वर्ल्ड ड्रेन्स दिस रीजन फ्रॉम द ईस्ट, है ना। जो नील नदी है वो यहीं पर, जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है विश्व की, वो यहीं पर बहती है, ठीक है। और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये विश्व का, मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, ठीक है। डिस्कवर्ड इन द 15th सेंचुरी, जिसको कि 15वीं सदी पर इसको खोजा गया था, मेनली लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये मोस्टली मतलब मेनली ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है स्थित है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में, तो ये चौथे नंबर का, मतलब कि विश्व के चौथे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड अलोंग विद द नॉर्थ अमेरिका इन द 15th सेंचुरी। ये भी 15th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका के अलग उसको डिस्कवर किया गया था, मतलब खोजा गया था। एंड ये क्या है, मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका लाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर, मतलब कि जो साउथ अमेरिका है वो मोस्टली कहाँ पर स्थित है, साउथ हेमिस्फीयर में स्थित माना जाता है। जो एंडीज की, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी जो माउंटेन्स रेंज है वो एंडीज की माउंटेन्स रेंज भी यही है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे अटलांटिका के बारे में, अटलांटिका का वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। एंड इज द कंसिडर्ड एज द कोल्ड डेजर्ट, मतलब इसको ऐसे माना जाता है जैसे कि ठंडा रेगिस्तान, ज्यादातर समय में मोस्टली आप देखिए थ्रू आउट द ईयर लगभग पूरे साल तक यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आइस फ्रीज हो जाए, वाटर फ्रीज होकर आइस बनता है तो बिल्कुल सफेद सा दिखता है, इसीलिए उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। हम लोग बात करेंगे इसके बाद यूरोप के बारे में, द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला, मतलब कि ये जो यूरोप है ये नीचे से, मतलब कि छोटे अगर से गिनना शुरू करें तो दूसरे नंबर का ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है, और इसको पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द सीक्रेट फ्रॉम द एशिया बाई द यूरल एंड कैस्पियन सी एंड द कॉर्कोरस माउंटेन्स, मतलब कैस्पियन सी और कॉर्कोरस माउंटेन तक ये फैला हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो देखिए द स्मॉलेस्ट आईलैंड कॉन्टिनेंट वॉज द डिस्कवर्ड इन द 18th सेंचुरी अंटिल द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस इन द 18th सेंचुरी, मतलब कि ये 18th सेंचुरी में खोजा गया था, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है, एक तरीके का एक आइलैंड माना जाता है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी हम लोग कहते हैं। 18th सेंचुरी का ये क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो साइज है वो लगभग भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि देखें अगर तो लगभग भारत से दो गुना है, ट्वाइस अ टाइम, ठीक है। लेकिन जो उसकी पॉपुलेशन है
वो इंडिया से लगभग 35 टाइम्स कम है, मतलब कि कम से कम 35 गुना तक कम है। अब आप सोचिए कि वैसे बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, कम है। स्टूडेंट, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।